हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ पूजा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टॉप कोट और बेस कोट क्या होता है और नेल पॉलिश को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए टॉप कोट और बेस कोट कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से आप टॉप कोट और बेस कोट का यूज़ करके अपने नेल पॉलिश को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और कौन से ब्रांड का टॉप कोट और बेस कोट अच्छा होता है। मैंने ये परचेस किया है जिसका मैं रिव्यू भी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ये कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और क्या अच्छा है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए कि सभी को फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ हमेशा लाती रहती हूँ। ये बॉन्जोर पेरिस प्रोफेशनल टॉप कोट और बेस कोट है। ये वाला जो है, जो थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, वो बेस कोट है, और जो बिल्कुल लिक्विड जेल वाला है वो टॉप कोट है। बेस कोट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बेस कोट लगाने से आपके नेल पे और जो आप कलर वाला नेल पॉलिश लगाते हो उन दोनों में एक परत का काम करता है, जिससे हार्मफुल जो नेल पॉलिश के जो केमिकल यूज़ होते हैं वो आपके सेहत पे कोई हार्मफुल ना पहुंचाए। इसके लिए बेस कोट लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्लस इस तरह के जो नेल पॉलिश थोड़े बहुत टूट टूट के निकल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार दिखते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। जिससे बेस कोट आप लगाओगे तो ये नेल पेंट को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। और टॉप कोट यूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो भी नेल पेंट लगाया, नेल आर्ट करवाया, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो कम से कम 1 वीक 2 वीक स्टे करे आपके नेल पे। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी नेल पेंट आप लगा लेते हो, कुछ देर बाद ये टूटा फूटा करके निकलने लगता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। लेकिन आप जब टॉप कोट लगाते हो, टॉप कोट हमेशा नेल पेंट एकदम लास्ट में टॉप कोट लगाते हैं, एकदम जब हम जो भी नेल आर्ट कर रहे हैं या प्लेन नेल पेंट लगा रहे हैं उसके लास्ट में हम टॉप कोट लगाते हैं, उससे आपके नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और शाइनिंग होती है। नेल पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करा करिए। नेल पेंट के ऊपर नेल पेंट कभी मत लगाइए, नेल पेंट हो तो उसे रिमूव कर दीजिए और उसके बाद बफर लीजिए और नेल को जो भी सेव करना है सेव कर लीजिए और ऊपर से थोड़ा डेड सेल्स को निकाल दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है आपका नेल पेंट। उसके ऊपर आप लगाइए बेस कोट। बेस कोट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके नेल पे और नेल पॉलिश के बीच एक दीवार का काम करता है, और जिससे हार्मफुल केमिकल आपके नेल पे नहीं पहुंचती और आपके नेल पेंट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। उसके बाद आप जो भी नेल पेंट लगाना चाहते हो या नेल पेंट के बजाय नेल आर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर लो, उसके बाद आप उसके ऊपर टॉप कोट लगाना बिल्कुल मत भूलो। टॉप कोट लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके नेल पेंट को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, वह एक लॉक का काम करता है। आप बिल्कुल नेल पॉलिश को इस तरीके से लगाएं जो टॉप कोट है, और बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा और आप देखोगे कि आपका जो नेल पेंट है वो बहुत ज़्यादा शाइन भी करेगा। नेल पॉलिश लगाते टाइम टॉप कोट और बेस कोट का यूज़ करते हो तो आपका नेल पेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और ये कम से कम 1 वीक आपका नेल पेंट बिल्कुल वैसा ही रहता है। और आप पानी वगैरह नहीं छूते तो ये 20 से 25 दिन, कभी कभार ये 1 मंथ भी चल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है ये टॉप कोट और बेस कोट। मैंने ये बॉन्जोर पेरिस का टॉप कोट बेस कोट परचेस किया है, ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे ख़रीदने का सोच रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी के साथ जिससे सबका फ़ायदा हो सके। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं इस तरह के वीडियोज़ हमेशा लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरे वो वीडियो देख पाओगे।